किसान भाइयों, तो आज मैं बताने वाला हूँ जो पैरा के साथ दाना जाता है उसका प्रॉब्लम किस कारण होता है, और अछरी जो आता है उसका भी कारण बताऊंगा। जो आप लोग उसको बलिया बोलते हो उसी को हम लोग इधर अछरी और कंसी बोलते हैं, तो वो किस कारण से आता है उसका भी मैं आज पूरा आपको बताऊंगा, और इन दोनों का सलूशन भी बताऊंगा कि उसको ठीक कैसे करें। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को वॉच करना, तभी आपको समझ आएगा पूरा सारा कुछ सेटिंग। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, पहले हम बात करते हैं पैरा के साथ दाना क्यों जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपका जाली घिस जाता है और ये सामने का भी ब्लेड घिस जाता है, तो इसके कारण से भी पैरा में दाना जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इधर का जो ब्लेड है उसको पूरा सही करना है, बड़ा बड़ा, और इस जाली को आपको चेंज करना है अगर घिस गया है तो। अगर दोनों जाली सही है उसके बाद अगर पैरा में दाना जा रहा है तो उसको कैसे ठीक करें। तो किसान भाइयों, करना क्या है आपको, इस जाली में आपको 5 रॉड लेना है, और ये जो लगा हुआ रॉड है जो हमने लगवाए हैं इसको आप ये वाले सामने लगाना, 1 2 3 4 5, इसमें 5 रॉड इसमें लगाना है ऐसे, और सेम 5 रॉड इसमें लगाना। इस साइड का जाली को अभी हम लोग बना रहे हैं न्यू। तो किसान भाई, आपको करना क्या है, आपको भी सेम ऐसे ही बनाना है, और किसान भाइयों आपको इस तरह से फिट करवाना है कि ये ब्लेड के साथ कभी ना टकराए, ये जो लगा हुआ है ना अलग से और 10 mm का जो रॉड है ये इसके साथ ना टकराए, और आपको ऐसे सेट करवाना है कि बस एक उंगली का गेप रखना है। इससे क्या होगा, जब भी आप धान डालोगे तो ये वाले रॉड के साथ इसका घिसाई बहुत अच्छे तरीके से होंगे, तो इससे क्या होगा आपका पैरा में दाना नहीं जाएगा। और सेकंड नंबर में आपको क्या करना है, जो ये दोनों जाली के बीच में ना आपको एक चांद लगवाना है। चांद लगवाने से आपका क्या होगा कि धान जो है इसी साइड ही रहेगा इसी जाली में। और किसान भाइयों, आपको वो जो दिख रहा है सामने वहाँ पास एक, तो किसान भाइयों आपको ऐसे जो चांद है आपको चादर लेना है, और इस जो कॉर्नर है इसमें पूरा आपको चादर लगाना है, 5 इंच ले लेना आप चादर को, और यहाँ से आप इसको पूरा कवर करवा देना है ऐसे चांदा टाइप का। और आपका ये जो नीचे वाला चांद होगा ये भी घिस गया होगा, तो इसके ऊपर भी आप चादर लेना चांद टाइप का बनवा कर इसमें भी आप बिल्डिंग करवा देना, इसको कवर कर देना ऐसे फूल। तो किसान भाइयों, जो जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ वो सब चीज़ आपको करवाना ही है, तभी आपके पैरा में जो दान जा रहा है वो रुक जाएगा। सेम इस पर भी वही जाली रहेगा, आपको 10 mm का यह सब ये सेकंड जाली है, आप इसमें चाहो तो 4 रॉड ही लगवा लेना, बट ये वाली जो जाली रहेगा इसमें आप 5 रॉड डलवाना, और दोनों जाली के जो बीच है ये सेंटर इसमें एक चांद कटवा लेना, 45-5 का पट्टा होगा उसको भी आप मुड़वा लेना, और इसमें आप कॉर्नर में आप फिट करवा लेना ऐसे चांद टाइप का। इससे क्या होगा, जो भी धान इसमें रहेगा जो पड़ेगा तो इसी वाले जाली में रह जाएगा पूरा धान। और ये ब्लेड को आप हमेशा, जब भी धान का सीजन आए आप इस ब्लेड को हमेशा चेन मतलब बड़ा बड़ा रहे रखना, छोटा कभी होने मत देना। छोटा होने से क्या होता है, जब भी आप धान डालोगे तो जो बड़ा बड़ा रहेगा उसमें अच्छे तरीके से पिटाई होगा और छोटे वाले में नहीं होगा, तो इससे ही होता है कि जब अच्छे से नहीं पिटाई होता तो सेकंड वाले जाली में चला जाते हैं, तो उसी जो धान को बचता है वही पैरा के साथ चला जाता है। तो किसान भाइयों, ये जो जाली दिख रहा है अभी हम लोग इसको वाला सेम बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बिल्डिंग दुकान जाना, ऐसे 10 mm का रॉड ले लेना सेम नाप का, और इसको ऊपर में ही डाल देना। ये वाले जाली में आपको 5 रॉड लगाना है, इसमें 4 रॉड, और इसके बीचों बीच आपको चांद डलवा देना है। इस सब चीज़ लगाने से आपके पैरा में दाना नहीं जाएगा 100%। किसान भाइयों, अब मैं बताने वाला हूँ जो बलिया आप लोग जो बोलते हैं बलिया किस कारण आता है, तो उसका जो मैं क्या कुछ होता है वो सब चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, आप लोग जिसे बलिया बोलते हो हमारे छत्तीसगढ़ में उसे अछरी और कंसी बोलते हैं। तो किसान भाइयों, जो अछरी और जो बलिया बोल रहे हैं वो आता किस कारण है उसको मैं बता रहा हूँ। कई बार होता क्या है किसान भाइयों कि धान के कारण भी आता है, जो अछरी आता है या बलिया आता है वो भी, जो धान ज़्यादा धूप में और पानी पा जाता है उस धान में आना आप स्वाभाविक बात है। जैसे आप ले लो महमाया धान में हमेशा अछरी आता है क्योंकि वो मोटा धान है, और कई बार जो ज़्यादा धूप ज़्यादा पड़ जाता है उसमें भी अछरी आता है।
तो पहला कारण तो यही है। और सेकंड जो कारण होता है किसान भाइयों, अगर आपका जो जाली है, जैसे ये पास पास है, और कई जो जाली होता है वो बहुत हेल्ला हेल्ला रहता है, दूर दूर पे रहता है, तो उससे क्या होता है, जब भी आप धान डालते हो तो वो सीधा यही पास टूट कर सीधा नीचे गिर जाता है बड़ा बड़ा साइज में। तो सेकंड जो कारण है वो जाली का भी कारण है, जो आपका अछरी जो आता है, जो बलिया बोलते हो ना, वो जाली का भी, जाली के कारण भी आता है। तो आपको जाली को भी ठीक करना है। अगर आपका जाली का ये जो दूरी है ज़्यादा है, तो आप इसके नीचे जो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में बताया हूँ जिसमें जाली लगाया हूँ, वैसे आप लगा सकते हो इसमें। इसको लगाने से आपका अछरी का और जो बलिया का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और सेकंड जो मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों, आपको सामने का जो आप अपने हिसाब से एक भी चांद निकाल सकते हो या सेकंड भी चांद निकाल सकते हो, आपको एक चांद निकाल देना है बीच वाले का। सारा कुछ सेटिंग करने के बाद आपको इस चांद को निकाल देना है। इसको निकालने का फ़ायदा भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप शुरू में यहाँ पास धान डालोगे, तो जैसे डालते हो तो एक दो बार पीटने के बाद ये वाला जो जाली है नेस्ट में फेंक देते हैं, दूसरे जाली में डाल देते हैं। अगर आप इसमें का चांद निकाल दोगे तो क्या होगा, जो यहाँ पास आपका दो से तीन बार पीट रहा था धान, वो इस चांद निकलने के बाद पाँच से छः बार इसी पास ही पटकेगा धान। तो उससे क्या होगा, जितना भी धान जो बाली लगा होगा वो सब कुछ इसी जाली में झड़ जाएगा। उसके बाद पेड़ा जो बचेगा उसको नेक्स्ट जाली में डालेगा। तो किसान भाइयों, चांद निकालने का ये भी फ़ायदा है, इससे कभी भी अछरी नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और किसान भाइयों, ये जो ब्लेड है इसको हमेशा आपको बड़ा बड़ा हर सीजन में रखना है, इससे भी आपका अछरी और जो पैरा में दाना जाता है उसका शिकायत आता है। तो आपको ये जो ब्लेड है इसको आपको हमेशा, इस ब्लेड को हमेशा बड़ा रखना है। कई किसान भाइयों का ये भी प्रॉब्लम रहता है कि उसके धान में, मतलब धान के साथ चावल भी फूट जाता है। तो चावल किस कारण फूटता है मैं वो भी बता रहा हूँ। चावल आपका जो धान डालने का जो स्पीड रहता है, आप एक बार डाल रहे हो, दो बार डाल रहे हो, अगर आप कंटिन्यू डालोगे तो उसमें आपका चावल नहीं फूटेगा। और थोड़ा थोड़ा करके अगर डाल रहे हो धान को, तो उससे आपका धान, मतलब चावल जरूर टूटेगा। तो आपको कंटिन्यू रखे रहना अपना स्पीड, उससे आपको कभी भी चावल नहीं फूटेगा आपके थ्रेशर। किसान भाइयों, हमारा जानकारी आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आगे शेयर करना, ताकि और किसान भाइयों तक पहुंच सके। किसान भाइयों, अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।